आज की वीडियो में जो ज्योग्राफी में जीके के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके जवाब अगर आपको नहीं आते तो वीडियो पूरी देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि आंसर इनके क्या होने चाहिए थे, पहले आपको नहीं आते थे और क्या आपने नया सीखा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की जीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। खादर एंड भांगर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉइल, आता है तो कमेंट करना, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे जब हम ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज स्टिकी वेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब मैं हिंदी में बोलूँगा, लिखा हुआ इंग्लिश में, ठीक है। पहले शावर के बाद या मॉनसून के बाद कौन सी है जो स्टिकी हो जाती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी होगी, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। कौन सा इनमें से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फर्टिलिटी लूज करने के लिए सॉइल की, ठीक है। और देखिए जो जरूरी है न्यूट्रिएंट वो ये हैं जो मतलब आपकी सॉइल के लिए, वाटर लॉगिंग, ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो मतलब आंसर ये हो गया। इस टाइप से आपको करने हैं, मैं पूरी वीडियो में कुछ चीज़ें आपको समझाता हुआ चलूँगा। कौन सी सॉइल है जो नॉर्दर्न प्लेन में और रिवर वैली में 40% एरिया कवर करती है, ये सारे क्वेश्चन अभी आप चुटकियों में कर लोगे, अभी नहीं आते क्योंकि आपकी तैयारी अभी अधूरी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है रेगर में है और किस लिए, इसकी वजह से कौन सी क्रॉप के लिए अच्छी है, कौन सी फसल के लिए, तो हम क्या स्टडी करेंगे, लैंड सॉइल वाटर, ठीक है। ये लेक्चर 4 है इस सीरीज़ का जो ज्योग्राफी की आपके साथ सीरीज शुरू करी है। माई नेम इज़ हेमंत गुप्ता और जैसा आप मेरे बारे में जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम सबसे पढ़ेंगे लैंड के बारे में, ये चीज़ें बेसिक्स हैं, बेसिक्स को करते हुए एडवांस में मूव करेंगे तरीके से, ठीक है। कुछ बेसिक्स जो आए या ना आए हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज एनहेंस हो, ठीक है। लैंड हमारा 30% कवर करता है वर्ल्ड का, उसमें से भी बहुत सारा लैंड ऐसा है जो इनहेबिटेबल है, मतलब जहाँ हम रह नहीं सकते। क्यों, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर फॉरेस्ट थिक है, ठीक है, जंगल घने हैं, तो कहीं पर माउंटेन्स ऐसी स्टीप है, पहाड़ियाँ हैं ऐसी जहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, कहीं पर लो लाइंग एरियाज हैं मतलब निचले स्तर के, जहाँ पानी बाढ़ आए तो पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, इन वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड की होने की वजह से रहना मुश्किल है। फिर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब लैंड जो है आपका डिग्रेड हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है कि आपकी लैंड स्लाइड हो जाती है, ठीक है, अफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, पेड़ काट देते हैं, तो पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, मिट्टी जो है पेड़ कट गए तो मिट्टी पकड़ कम कर देती है तो ज़मीन खिसक जाती है, ठीक है। इसका कंजर्वेशन संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है कि सॉरी जो हमने पीछे करा उसमें डिफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। माइनिंग जो होती है उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ग्रेजिंग सिस्टमेटिक ग्रेजिंग हो, जो भेड़ बकरियाँ खाती हैं ऐसा नहीं, उनकी अनइवन ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो प्लांटिंग थॉर्नी एंड बुश जो है ऐसे एरिया जो बंजर है वहाँ पर हम ये वाले बुशेस लगा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज होने से पहले प्रोसेस करने से, तो ये सारे तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन के, इनके अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखे, ऐसे बहुत क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपको बेसिक्स मालूम है थोड़ा भी तो आप कर जाओगे। जैसे सॉइल, सॉइल पर आते हैं, सॉइल किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स की, मिनरल और वेदर्ड रॉक्स की, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जितना अच्छा होगा, जितनी रॉक टूट टूट के बनेगी, ये आप देख सकते हो सॉइल का सबसे अंदर तक की बेड रॉक, ये हॉरिजन्स है, ये सॉइल के हॉरिजन्स है, ठीक है, ऑरिजन बोले तो अलग अलग लेवल, ठीक है। पेरेंट मटेरियल यहाँ होता है, फिर सब सॉइल, ये आपको जो सबसे ऊपर दिखता है ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का, तो ये इतनी लेयर से बना होता है, ठीक है। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेन्ड पार्टिकल जो आपको दिखते हैं ना मिट्टी के, वो बने बहुत उससे होते हैं, ठीक है, टूट टूट के पत्थरों के और कंपोज होके ऑर्गेनिक मैटर्स का। अब भूस्खलन आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि पेड़ काट देते हैं, इन सब की वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइड को कैसे हम कर सकते हैं कम, हजार्ड मैपिंग, जो जो एरिया जहाँ पर भूकंप या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनको हम मैप के ऊपर ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लें, हजार्ड मैपिंग बोलते हैं।
लैंड का यूज करके, खाली ना छोड़ के, वॉल्स को रिटेन करके, ड्रेनेज को कंट्रोल करके, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बेसिक के लिए कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पे अभी हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, अब सॉइल डिग्रेड हो रहा है हमारा, किसकी वजह से हो रहा है वो देखेंगे, कंजर्वेशन देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्रेड जो हो रही है हमारी सॉइल, ठीक है, डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है सॉइल का, ओवर ग्रेजिंग, अभी पीछे पढ़ा ना हमने, ओवर ग्रेजिंग जो होती है उससे सॉइल डिग्रेड होती है, ठीक है। सॉइल कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम, एक तरीका होता है मल्चिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्चिंग। मल्चिंग के क्वेश्चंस आए हुए पास्ट में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक, इस टाइप से हम जैसे लगे हुए स्ट्रॉ लगा देते हैं, स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ लगाने से क्या होगा, वो जो है मिट्टी पकड़ लेगी और जो है वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो उससे हमारा जो है सॉइल कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टूर प्लानिंग, ये क्या करती है, पैरेलल में, जैसे ये पैरेलल में देखोगे आप, ऐसे करके हम लगा देते हैं प्लांटिंग, ठीक है। तो एक्सपोज सॉइल जो है वो अगले उस तक जा सकती है, ठीक है। एक्सपोज सॉइल कैन ओनली ट्रेवल एज फार एज द नेक्स्ट रो प्लांटिंग, मतलब ये मिट्टी यहाँ तक जा सकती है बस। अब ये जैसे ये पैरेलल में, तो यहाँ से मिट्टी उठ के यहाँ तक जा पाएगी मैक्सिमम, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटूर प्लानिंग। टेरेसिंग कर सकते हैं, ये सॉइल को पकड़ के रखती है और जहाँ पर स्टीप्स होते हैं ऐसे पहाड़ों पर, वहाँ पर टेरेसिंग करी जाती है, उत्तराखंड में जनरली होती है, क्वेश्चन आ जाता है टेरेसिंग कहाँ होती है, ठीक है। नो टिल फार्मिंग, लीव्स ओल्ड मटेरियल बिहाइंड व्हेन प्लांटिंग न्यू क्रॉप्स, ओल्ड प्लांट तब तक सॉइल को पकड़ के रखते हैं जब तक नए वाले नहीं उगते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नो टिल फार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन, फिर ऑल्टरनेट क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, डिफरेंट क्रॉप को मिक्स कर देते हैं अरेंजमेंट में, ठीक है। ये सारे सॉइल कंजर्वेशन के तरीके हैं। नॉर्मल वही प्लांट ट्री, टेरेस, नो टिल फार्मिंग, कंटूर, क्रॉप रोटेशन, वाटर करके, सेलिनिटी, सॉइल ऑर्गेनिज्म, इंडिजिनस क्रॉप, तो ये सारे तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे सॉइल के टाइप्स पे। वैसे तो सॉइल 8 टाइप की होती है, जो मेजर है एसएससी के पर्पज से वो करेंगे, ठीक है। एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड एंड डेजर्ट। एलुवियल सॉइल क्या होती है, ठीक है। एलुवियल सील सॉइल जो है 40% से ज़्यादा है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, कौन सी सॉइल ज़्यादा है, तो 40% ज़्यादा कौन सी, एलुवियल। एलुवियल सॉइल ही है जो पकड़ रखती है पूरे, जो सबसे अच्छी मिट्टी है, ठीक है। ये सारी नॉर्दर्न प्लेन में मेन कारण, इनका 3 नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो नहीं समझ पाएगा, तो पुरानी वीडियो देख लेना। हिमालय से 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इन तीनों नदियों की वजह से जो रिवर के सेडिमेंट है वो डिपॉजिट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी हो। स्ट्रक्चर, इनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और मेन ये है कि 2 टाइप के एलुवियल सॉइल है। तो एक क्वेश्चन आगे था कि खादर किसके अंदर आती है, तो एलुवियल के अंदर, ठीक है। ये मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, स्टिकी होती है, ये क्वेश्चन भी हमारा आगे था, कौन सी सॉइल है जो स्टिकी और वेट होती है, ठीक है। भांगर सॉइल, वीडियो को 2x पे देखो और उसके बाद दोबारा स्टार्टिंग से वो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। भांगर सॉइल ओल्ड सॉइल है, सैंडियर है, ठीक है, लेस प्रोन है फ्लडिंग के, यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा नहीं आती इस सॉइल में, ठीक है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, टबैको, कॉटन, राइस, वीट, जूट, मेज, ऑयल सीड, वेजिटेबल, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की है, इसको रेगर भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कौन सी सॉइल को रेगर बोलते हैं, तो कौन सी, ब्लैक सॉइल। सबसे ज़्यादा CGL, CHSL, स्टेनो में ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, और लेटराइट से। ब्लैक सॉइल 16% कवर करती है टोटल लैंड का। लोकेशन, ब्लैक सॉइल जनरली महाराष्ट्र, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब ये नीचे की बेल्ट में पाई जाती है। अगर हम बात करें ना, तो हम ऊपर की अगर देखें तो नीचे की तरफ, ये इस बेल्ट में पाई जाती है आपकी, यहाँ से नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र, तमिलनाडु। अभी हम मैप भी देखेंगे, उससे भी थोड़ा आइडिया ले लेंगे फॉर दी सेक ऑफ रिटेंशन इन माइंड, ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन क्या है, कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। रेगर किसे बोलते हैं और इसकी मेजर क्रॉप, तो ब्लैक सॉइल रिच है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कॉटन की, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, कॉटन। क्वेश्चन आगे मिलेगा वीडियो में, ठीक है, तो कर जाओगे।
अदर क्रॉप इम्पोर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा कॉपर और कॉटन, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो रह गई, ये मॉइस्चर वेरी वेल होल्ड करते हैं अच्छे से इस वजह से, ठीक है। अब रेड सॉइल, रेड है क्योंकि यहाँ पर आयरन होता है बहुत ज़्यादा, आयरन ऑक्साइड येल्लो हो जाती है हाइड्रेशन से, ठीक है। जहाँ पर बारिश कम होती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेनफॉल कम है तो कौन सी मिट्टी होगी, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें वीडियो देख के रिटेन कर लें, ठीक है। रेनफॉल अगर लेस है, ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल कहाँ होती है, ठीक है। और किस में रिच होती है, आयरन में, फर्टाइल होती है, प्रॉपर यूज़ करा जाए तो ये कॉटन भी दे सकती है और ये सारी फसल भी, ठीक है। ये सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेटराइट इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ होती है जहाँ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से कंपोज डिकम्पोज हो जाता है ह्यूमस बैक्टीरिया से, फिर उसको हाई रेनफॉल लीच कर देती है। तो क्वेश्चन आता है किस सॉइल में लीचिंग होती है, ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो लीचिंग किस में होगी, लेटराइट सॉइल में, ठीक है। लोकेशन कहाँ होती है, ये भी साउथ में ज़्यादा देखोगे आप, ठीक है, साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, एमपी, उड़ीसा, ठीक है। स्ट्रक्चर पुअर है ऑर्गेनिक में और एसिडिक होती है, ठीक है। क्रॉप कौन सी इसकी, ये कैश्यू कल्टीवेशन में यूज होती है। लेटराइट और ब्लैक इज मच मच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप की है, डीप रेड, वाइट लेटराइट, अंडरग्राउंड लेटराइट, ठीक है। केओलिन की वजह से होता है वाइट, ठीक है, और आयरन की वजह से होता है डीप रेड, और अपर पार्ट डिजोल्व होता है आयरन में जो नीचे बैठ जाता है तो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। अदर यूजेस क्या है, ईंट में बनाने में काम होती है, ईंट बनाने में, तो क्वेश्चन आया ईंट बनाने में कौन सी होती है, तो लेटराइट। एरिड पे आते हैं, एरिड कौन सी है, जो सैंडी है, लो क्ले कंटेंट है, ठीक है। इवेपोरेशन हो जाता है इसलिए सॉइल डेफिशिएंट हो जाती है मॉइस्चर में, इसके अंदर पानी नहीं होता, बिल्कुल सूखी मिट्टी जैसे होती है ना रेगिस्तान वगैरह में, इसको डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर इरीगेशन करें तो क्रॉप बन सकती है अच्छी फसल, ठीक है। रेड टू ब्राउन और लाइट ब्राउन होती है, जनरली कहाँ है, अरावलीज में, ठीक है, रीजन वेस्ट ऑफ अरावलीज। स्ट्रक्चर सेलीन है इसका, पुअर है नाइट्रोजन में। क्रॉप कौन सी है ज़्यादातर इसमें, बारले, कॉटन, वीट, ये सब, ठीक है। अब देखिए ये है सॉइल, ठीक है, एलुवियल दिखेगी आपको यहाँ सबसे ज़्यादा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये एरिया आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद रेड सॉइल आपको कहाँ दिखेगी, उड़ीसा, एमपी का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ दिखेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये, ठीक है। लेटराइट सॉइल आपको कहाँ दिखेगी, ये पोर्शन, एरिड, राजस्थान का जो बताया ना अभी, डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल होती है, ठीक है। लेटराइट आपको कहाँ दिख रही है, बहुत कम जगह होगी लेटराइट, ठीक है, बहुत ही कम, साउथ की ये जगह जो है ना ये, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल 40%, ठीक है। रेड कलर सॉइल का किसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से। कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल बनती है, जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए, कौन सी में होती है। लेटराइट सॉइल किस स्टेट में होती है, तो लेटराइट अभी था ना साउथ में, जो रीजन हमारा ये आपका यहाँ 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 पर था, ये लेटराइट का है। तो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता सबसे ज़्यादा, खेती ज़्यादा करी जाती है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन, ठीक है। टू विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल ब्लैक, तो ब्लैक कॉटन सॉइल इससे चरनोजैम, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग था, ये याद रखना। अब क्रॉप की टाइप और उसकी फसल कौन से महीने में होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगी सारा मटेरियल लूसेंट में भी है, लूसेंट से उठाई गई कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनसीईआरटी की आउटलाइनिंग है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल निचोड़ इन दिस वीडियो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी, 3-4 दिन से मेरी तबीयत डाउन थी, इस वजह से वीडियो नहीं आई थी। जो लोग कमेंट कर रहे थे, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी आगे चलता रहेगा। कमेंट जरूर करना चाहिए, अगर जितने लोग सीरियस हैं वो कमेंट करें तब आपको अगली वीडियो मिलेगी, ठीक है। खरीफ की बात करें, देखो मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ, JK, ठीक है, मतलब खरीफ जो है जुलाई में होगी, RS रबी सितंबर में होगी, ये मैंने बनाई हुई ट्रिक है मेरी खुद की, ठीक है। तो जून जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग बुआई होगी, कटाई इसकी सितंबर, रबी की उल्टा है, सितंबर में बुआई, तो रबी की सितंबर में होती है बुआई, कटाई जनवरी में, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया JKRS और जायद की जो बाकी बचे महीने फरवरी मार्च में और मई जून में इसकी कटाई। तो जायद ईजी है, जितने भी आपके समर फ्रूट हैं चाहे खीरा हो चाहे तरबूज हो खरबूज हो गन्ना हो सब जायद में आते हैं। ठीक है, राबी में आपके सारे गेहूं ओट्स दालें ये सब, और खरीफ में आपके चावल। तो क्वेश्चन आता है चावल और गेहूं पे ज़्यादा, ये याद रखना आप। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कौन सा है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ से कवर किया जाता है, कौन सा था? मल्चिंग। ठीक है, अभी बताया था ना मल्चिंग जो लेयर अप्लाई करते हैं सॉइल पर, और कंटूर बैरियर क्या थे? स्ट्रिप्स थी। ठीक है, और कंटूर प्लांटिंग क्या थी? पैरेलल में जो मिट्टी दूसरी जगह ना जा पाए। ठीक है, और टेरेस तो ऊपर थी जो आपकी मनाई जाती है ना उत्तराखंड में। इंडिया का कितना ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट लैंड है? तो इसका 23% आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है गाइस CGL 17 का, उस टाइम पे मेरा सही था, अब आप लगा लो प्रिपरेशन का लेवल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। वाटर पे आते हैं, वाटर में कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं। 3/4 हिस्सा अर्थ का पानी है, फ्रेश वाटर 2.7% है, इसका भी 70% पार्ट ग्लेशियर है अंटार्कटिका में। हमने वीडियो करी थी इससे पहले, उसमें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस करी थी चीज़ें कॉन्टिनेंट। तो 70% ग्लेशियर है, तो 1% ही पीने के लिए पानी बच रहा है अच्छा और डेली यूज़ के लिए। तो इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। कंजर्व कैसे करा जा सकता है इसको? एक तो वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर को हार्वेस्ट करके। दूसरा कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसे? कैनाल, कैनाल जो है वो उस पर आपकी लाइनिंग हो। ठीक है, तीसरा रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो आपको रिड्यूस करना है, कंजप्शन कम करनी है, फालतू में पानी नहीं बहाना टॉयलेट में, रीयूज करना है। ठीक है, और रिसाइकल करना है फिर उस पानी को डेली ट्रीटमेंट वाले को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पर SSC Core 123। थैंक यू सो मच। वेरियस ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लेना।